अकेले आ गए? किन्नर को युवराज कहाँ है? कहाँ है क्या वो पद पर है? बताओ चन्ना बताओ, क्या वो सचमुच वानप्रस्थ हो गए? अरे कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो? युवराज कहाँ है चन्ना? कब आएंगे युवराज, कहाँ है? तुम तो उनके सारथी भी थे और मित्र भी, कहाँ है युवराज, कहाँ है? नहीं आई। नहीं आए? लेकिन क्यों चन्ना? उनका सुख हमारे भाग्य में नहीं। ऐसा मत बोलो चन्ना, ऐसा मत बोलो। असित मुनि की वाणी सच प्रमाणित हुई। राजा ने महाराज को क्या होगा? महाराज तो सह लेंगे, पर देवी यशोधरा वो ये पीड़ा कैसे सहेगी? चन्ना के साथ वो आ गए। कंतक नीचे खड़ा है। चन्ना, सिद्धार्थ कहाँ? नहीं, वो नहीं आए महाराज। मैंने विनती की, परंतु वो अपने निर्णय पर अडिग थे। मैंने उनके साथ जाने की अनुमति भी मांगी, परंतु उन्होंने मना कर दिया और कहा मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। महाराज से कहना। क्या क्या चलना? युद्ध किसी प्रश्न का हल नहीं होता। मां से कहना। क्या? जन्म देने वाली मां को तो नहीं देखा, पर तुम उससे बढ़कर हो। तुम्हारे खिलाए हर निवाले का रेडी रहूंगा मैं। मंगला काकी से कहना। राज्याभिषेक तो अवश्य होगा। सिद्धार्थ का नहीं तो ज्येष्ठ देवदत्त का। अर्थात वो जानता था। ज्येष्ठ देवदत्त से कहना कि बचपन से तीर तुम्हारे द्वेष के हर धक्के ने मेरे चरणों को बलवान बनाया है। मैं जानता हूं तुम मुझसे अति स्नेह करते हो। और गोपा से कहना। मेरी व्यथा को अपनी व्यथा बनाने के लिए मैं सदैव उसका ऋणी रहूं। पति की इच्छा अनिच्छा का ध्यान तो हर पत्नी रखती है, पर पति की व्यथा को अपनाने वाली बार कदाचित ही होती। ये चाहते